नमस्कार अम्रियजनो, आप देख रहे हैं सूडी पाठशाला। आपसी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे कुछ मैसेज मिले रिलेटेड टू सीओडीपीजी। सर, हमारा रिजल्ट आ गया। जो ये स्कोर कार्ड है, बेसिकली इसका करना क्या है? तो मुझे लगा कहीं ना कहीं छोटा सा डाउट बच्चों को एक वीडियो बना के क्लियर कर देना चाहिए। साथ में एक और डाउट था कि सर, हम लोग जब स्कोर कार्ड अपना डाउनलोड कर रहे हैं तो हमारा जो मार्क्स है वो 300 होना चाहिए, लेकिन नीचे बॉटम में लिखा हुआ है 400। तो ये दोनों डाउट जो है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो स्कोर कार्ड का क्या करना है? स्कोर कार्ड को सेव कर लेना है अपने मोबाइल की गैलरी में या अपने पीसी की गैलरी में। ये स्कोर कार्ड यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उनके पोर्टल पे अपडेट करना होता है। आपको वहां अपना मार्क्स बताना होता है, साथ में स्कोर कार्ड आपसे काउंसलिंग के टाइम पे मांगा जा सकता है। तो प्लीज, स्कोर कार्ड बाद में पोर्टल पे ना मिले तो ऐसे में आपके पास सेव होना चाहिए आपके गैलरी में आपका स्कोर कार्ड। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब ये स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड करना है? तो जो आपका रिजल्ट आया वही आपका स्कोर कार्ड है, और आप लोग अपना जो ऑफिशियल मेल है जो एनटीओ को दिए थे वो मेल चेक करोगे तो मेल पे भी ये स्कोर कार्ड आया हुआ है। तो चाहे मेल वाला चाहे वेब वाला, दो में से कोई भी आप डाउनलोड करके रखोगे, दोनों ही ऑफिशियली मान्य है। जो सेकेंड डाउट है कि सर, ये 400 कैसे शो कर रहा है? ये उनका एरर है, उनके साइड से एरर है। लास्ट टाइम का ही उन्होंने कंसिडर कर लिया, अभी उनके साइड से एक बड़ा मेजर मिस्टेक है। उन लोगों ने इसको सही भी किया है। अब आप जाके पोर्टल से दोबारा अपना जब स्कोर कार्ड डाउनलोड करोगे तो देखोगे वहां पे 300 हो गया है, जो उसी रात डाउनलोड कर लिए थे या उसी दिन डाउनलोड कर लिए थे जिस दिन आपका ये रिजल्ट आया था, तो उनके भी 400 है। आप उसी को बार बार देख रहे हो। आप जाके दोबारा डाउनलोड करो तो वो आपको सही दिखेगा, या आप मेल वाला जाके चेक करो तो मेल वाला वो जो है स्कोर कार्ड वो सही है। वहां पे आपके पास अपडेटेड मार्क्स भी होगा और वहां पे 300 मार्क्स ही लिखा गया होगा। तो ये दो काम जाके जरूर कर लेना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके काउंसलिंग में ये रामबाण चैनल कहीं नहीं मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में काउंसलिंग का हेल्प। बहुत सारे बच्चों के सुबह से शाम तक अभी मैंने हेल्प किया है। तो कहने का मतलब ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर आपको कोई ये सब चीजें बता रहा है अपने अनुभव के बेसिस पे, मैं पैसे भी ले सकता था और आप आओगे। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं, बहुत सारे टेलीग्राम पे मैंने देखा कि 50 रुपए दो और आप मेरा ये पेड काउंसलिंग का जो ग्रुप है ज्वाइन कर लो। यहाँ सब कुछ फ्री में मिल रहा है और सही मिल रहा है, सटीक मिल रहा है, जो है वो सच बताऊंगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, बस आपको इतना ही करना है। मेरे वीडियो को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो मुस्कुराना बिल्कुल ना भूले। हर हर महादेव। बहुत सारी शुभकामनाएं।